अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल शलवार की कटिंग के लिए यहाँ पर हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। नॉर्मल शलवार के लिए 2 से 2.5 मीटर का फैब्रिक काफ़ी होता है, तो यहाँ पर हमने लेंथ वाइज पहले फोल्ड किया, फिर उसके बाद विड्थ वाइज हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर मैंने फोल्डिंग वाली साइड नीचे की तरफ की है ताकि फैब्रिक ज़्यादा सेव हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ की नाप लेंगे, जो कि हमारा लेंथ 41 इंचेस है। ऊपर की जानिब हम 10 इंच पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि 10 इंच की हम बेल्ट वेस्ट बेल्ट रखेंगे। और यहाँ पर हमारी लेंथ 41 इंचेस है, तो हम यहाँ पर 4 इंचेस ऐड करके 45 पर मार्क करेंगे। हमें हमेशा लेंथ प्लस 4 इंचेस मार्क करनी होती है, 2 इंचेस बॉटम फोल्डिंग के लिए और 2 इंचेस ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए। यहाँ पर हम 10 इंचेस इंच टेप को ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। फोर्टी फाइव इंचेस पर मार्क लगानी है और फिर हम यहाँ पर बॉटम की 6.5 इंच रेडी प्लस 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर स्लिट लेंथ हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट 15 इंचेस रखेंगे। नॉर्मली स्लिट लेंथ की मार्किंग 1/4 स्लिट प्लस 3 इंच होती है, प्लस 3 इंचेस एक्स्ट्रा रखने होंगे स्टिचिंग के लिए। और अब हम यहाँ से बॉटम की तरफ टेप रखकर मार्क कर लेंगे। सीट मार्किंग की तरफ हमें 2 इंचेस कर्व लेनी होती है। यहाँ पर 2 इंचेस हम कर लेंगे और फिर इस तरह से पूरी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। हमें सीट लेंथ हमेशा 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस लेनी होती है, और ज़्यादा हेल्दी वुमेंस के लिए 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेनी होती है। एग्ज़ाम्पल, अगर हमें हमारी सीट 40 होगी सीट रंग, तो सीट लेंथ के लिए हम 10 इंचेस प्लस 3 इंचेस लेंगे। अगर थोड़ा लूज़ पहनने वालों के लिए हो तो 10 इंचेस प्लस 4 इंच भी हम ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर वेस्ट बेल्ट कट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो फोल्डिंग बॉटम की तरफ की थी, उसकी वजह से वेस्ट बेल्ट की पट्टी निकालने के लिए सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में हमें फैब्रिक सेव हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें फ्रेंड्स, और कमेंट करें। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वेस्ट बेल्ट के लिए 12 इंचेस विड्थ लिया है।
विद के लिए हम 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस लेते हैं। अगर हम 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस लेंगे तो हमारी शलवार सही हिसाब में कटिंग होगी। तो चूंकि यहाँ पर 10 इंचेस की एक साइड थोड़ी सी कम है फैब्रिक, तो हम छोटा सा यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे फैब्रिक का। इस शलवार को साइड प्लीट्स के साथ सिया जाता है। ये हमने कट कर ली है वेस्ट बेल्ट, और ये यहाँ पर हम इस तरह से जो थोड़ी सी फैब्रिक कम पड़ी है अभी उसको जॉइंट्स लगाने के लिए हम कॉर्नर से पीसेस कट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।